तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आदर्श, आप देख रहे हैं एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट। दोस्तों आप इस स्नो स्प्रे के बारे में तो जानते होंगे बहुत अच्छे से, बर्थडे में इसको स्प्रे किया जाता है, इसमें से बहुत सारी फोम निकलती है बिल्कुल पिचकारी जैसी, और इसको बहुत तेज़ी से छोड़ें तो कुछ ऐसा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि जैसे कि अभी मैं इसको छोड़ा, ठीक है, तो ये अभी धीरे धीरे निकल रही थी, मतलब एक इतने से नोज़ल से निकल रही थी जो दिख भी नहीं रहा, सुई के नोक के बराबर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्या करने जा रहे हैं कि इसको इस खीले, ये खीला दिख रहा है, खीले से इस पर मारेंगे टोचन, ठीक है। जैसी छेदा करेंगे तो इसमें से एक बार में बिल्कुल कंप्रेस्ड गैस भरी तो एक बार में निकलेगा। तो दोस्तों वीडियो का भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सेटअप है, ये इसको मैं ऐसे जमाता हूँ और इस पर मारता हूँ खीला, ठीक है। तो आप ऐसा घर पे बिल्कुल करने की कोशिश मत करना, बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है ये। चलो मैं इसको अब ठोकता हूं, ग्रिप नहीं बन रही। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। इसके अंदर बचा है क्या दोस्तों? अभी भी इसके अंदर से गैस निकल रही है, इसको मैं अभी थोड़ा ही सा हुआ है, ये देख सकते हो। तो मैं और मारता हूँ, देखो अभी तक निकल रही इसके अंदर से गैस, ये दोस्तों जैसे कि अब मैं चेहरे पे देख सकता हूँ, एक सेकंड में फक से निकला। और दोस्तों एक बात बता दूं कि ये जो फोम निकल रहा है इसके अंदर से, इस पे एक बार आग लगा के देखते हैं, देखना हाथ में ना, ठीक है। ये देखो दोस्तों इसमें आग लग चुकी है, फिर से लगाता हूँ, एक सेकेंड के लिए आग लग रही है इसमें। तो दोस्तों देखा आपने कि ये जो फोम रहता है, इसको मैंने जैसे ही मारा इसमें से इतना सारा फोम निकला, और इस जो फोम निकला उसमें आग भी लग गई। दोस्तों एक बार की बात बता रहा हूँ मैं, क्या हुआ था, एक बर्थडे गलती, बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले उन्होंने फोम एक दूसरे पे मार लिए थे, और जैसे ही वो झुकी बर्थडे कैंडल बताने के लिए, तो बर्थडे कैंडल की थोड़ी सी आग उसके बालों पे लगी और उसके पूरे बाल, मतलब पूरे बाल में आग लग गई। पर हालांकि वो कुछ ही सेकेंड की आग थी, पर उसको बहुत ज़्यादा उसको चोट लग गई क्योंकि उसके बाल कई हद तक जल चुके थे। तो दोस्तों ये होता है जब किसी भी स्नो स्प्रे को आग लगाई जाए। दोस्तों अभी भी इसके अंदर, इसको मैं हथौड़ा से मार के दिखाता हूँ, इसके अंदर अभी पूरा भरा हुआ है, ये देखो, ये पानी जैसा भरा है इसके अंदर। तो दोस्तों अगली बार स्नो स्प्रे से खेलने से पहले आप जरूर याद रखना कि आपको, अगर आपके शरीर पे लगा है तो आपको आग से तो बिल्कुल ही दूर रहना है, नहीं तो आपके हाथ पैर में आग लग सकती है, पर हालांकि ज़्यादा डैमेज नहीं होगा पर लग सकती है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।